गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 14 बूलियन लॉजिक, जो कि सुमिता अरोरा के बुक से है। इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक, बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनके विषय में हम सीखेंगे, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी पढ़ेंगे, बेसिक थियरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा लॉजिक और डी मॉर्गन्स का थियरम पढ़ेंगे, सिंप्लीफाइंग ए बूलियन एक्सप्रेशन, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, और एंड मोर अबाउट लॉजिक गेट्स, यानी कि जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं इसके अतिरिक्त कुछ डिराइव्ड गेट्स होते हैं उनके विषय में भी इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। देन स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक, जो अपना पहला टॉपिक है। स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम समझ लें कि ये बूलियन लॉजिक क्या है और इस चैप्टर में हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करें, कैसे सिंप्लीफाई करें। सैकड़ों वर्ष पहले कुछ मैथमेटिशियंस जो कि बूलियन लॉजिक यहाँ पे लॉजिक प्रॉब्लम्स होते थे, उनको सामान्य जो विधि थी एल्जेब्रा का मेथड उससे सॉल्व किया करते थे, जो कि एल्जेब्रा मेथड आज भी हम जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उसको लॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसे हम एल्जेब्रा के मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन जार्ज बुले नाम के वैज्ञानिक ने इसकी नींव रखी और उसको एक लॉजिक देने का प्रयास किया, और वह कुछ ऐसे थाट लिखे जिसके माध्यम से हम इस लॉजिकल प्रॉब्लम को जो एल्जेब्रा मेथड से सॉल्व करते थे उसको हम यहाँ पर बूलियन एल्जेब्रा के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते थे। परंतु इनका यह लेख जो है 1954 तक ऐसे एक सिद्धांत बन के रह गया, लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने पुनः इस पर जब प्रयास किया तो 1938 में क्लाउड ई सैमनन ने ऐसा एक सिद्धांत लिखा जिसके माध्यम से एक एल्जेब्रिक लॉजिक प्रॉब्लम को हम यहाँ पर बूलियन लॉजिक दे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उस लॉजिकल प्रॉब्लम को हम इजीली कैसे सॉल्व कर पाएं, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड जो हम पहले से जानते हैं ये अलजेब्रा मेथड कहलाता है, और दूसरा मेथड जो लॉजिकल बूलियन लॉजिक के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल में हम इस चैप्टर में टोटली यही पढ़ने वाले हैं कि हम किसी अपने लॉजिकल प्रॉब्लम को उसको बूलियन लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करें और उसके माध्यम से कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट, इस टॉपिक में पहले हम समझते चलते हैं बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज क्या होते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो बाइनरी वैल्यू को स्टोर करते हैं, यानी कि उनका रिजल्ट जो होता है वह बाइनरी यानी ट्रू एंड फॉल्स में आता है। तो एवरीडे लाइफ में हम लोग जनरली बात करते हैं, एग्जांपल में आप देखिए, वी हैव टू मेक लॉजिक डिसीजन, जैसे शुड आई कैरी ए बुक आर नॉट। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे सेंटेंस एक्सप्रेशन जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है तो उसे हम बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे शुड आई मिस टीवी प्रोग्राम आर नॉट, तो इसका रिजल्ट या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू आइदर यस, जिसको हम ट्रू कहते हैं, आर नो, जिसे फॉल्स कहते हैं, इज कॉल्ड बाइनरी डिसीजन। तो इस प्रकार के डिसीजन को हम बाइनरी डिसीजन कहते हैं। देयरफॉर ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड इज बाइनरी डिसीजन, बाइनरी डिसीजन मेकिंग ऑल्सो अप्लाइज टू फॉर्मल लॉजिक। यहीं पर एक फॉर्मल लॉजिक बनता है, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखें, इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका रिजल्ट आएगा यस या नो। अब यहाँ पर दूसरा है 13 - 2 = 11, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। लेकिन दिल्ली इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो यह भारत का सबसे बड़ा शहर नहीं है, देन हम इसको कर...
दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाट डू यू से, अब यहां पे व्हाट डू यू से, व्हाट डिड आई टेल यू यस्टरडे, ये सेंटेंस आपका ट्रू एंड फॉल्स में इवेल्युएट नहीं किए जा सकते. तो यहां पर पहला सेंटेंस अपना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो सेंटेंस है यह आपके बाइनरी डिसीजन से रिलेटेड है और इसको हम बाइनरी बाइनोड क्वांटिटी कह सकते हैं. लेकिन सेंटेंस 4 और 5 ये अपने आंसर में यस या नो नहीं कंबाइन कर सकते, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस होते हैं. साथ ही ये केयर करते चलते हैं, बैलूज ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ बैलूज. ऐसे बैलू जो ट्रू या फॉल्स होते हैं उन्हें हम ट्रूथ वैल्यू कहते हैं. और दूसरा पॉइंट है, बूलियन वेरिएबल्स कैन हैव वैल्यूज आइदर एज 1 जिसको हम ट्रू कहेंगे, और 0 जो आपका फॉल्स होगा. ओके, तो ये दो प्रकार के, जैसे यहां पर आप सेंटेंस देख रहे होंगे, वेरिएबल विच कैन स्टोर दिस ट्रूथ वैल्यू आर कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल. जो इस ट्रूथ वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स को स्टोर करते हैं उस वेरिएबल्स को हम लॉजिकल वेरिएबल कहेंगे, या उसी को हम बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल कहते हैं, जो आपका हेडिंग है बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी या बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल. एज दिस कैन स्टोर वन ऑफ टू वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, जो हमेशा ट्रू या फॉल्स ही स्टोर करेंगे, जिसे हम 0 या 1 के रूप में कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अपना लॉजिकल ऑपरेटर. स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है. आप इसको यदि कंसीडर कर लिए, समझ लिए, तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है. तो चलिए समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, लॉजिकल फंक्शन आर कंपाउंड स्टेटमेंट. यहां पर देखिए, लॉजिकल फंक्शन आर कंपाउंड स्टेटमेंट, ये आपका हेडिंग है. दीज आर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ट्रूथ फंक्शन. ट्रूथ फंक्शन मीन्स ट्रू और फॉल्स. ओके, दीज आर सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस, कुछ ऐसे क्रियाएं जो हम ट्रूथ फंक्शन पे करते हैं यानी कि ट्रू एंड फॉल्स पे करते हैं, उसे हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर के विषय में आप यहां पे देख सकते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल लाइक ए बी सी आर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस इंटू डिवाइड टू फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यहां पर ध्यान देना आपको कि जो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम एल्जेब्रिक वेरिएबल कह रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड इत्यादि की तरह, और इसे यदि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइन करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन को, यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जो एक कॉन्वेंशनल तरीका है किसी भी लॉजिक के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए. ओके, सिमिलरली लॉजिक स्टेटमेंट आर ट्रू फंक्शन आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड आर एंड नॉट टू फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट आर लॉजिकल फंक्शन. तो इसी प्रकार से अगर हम ट्रूथ फंक्शन यानी कि वैल्यूज ट्रू और फॉल्स को हम किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर जो कि अपने 3 है एंड आर और नॉट से कंबाइन करते हैं तो उस फंक्शन को यानी कि उस प्रकार के स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट या लॉजिकल फंक्शन कहते हैं. और एक्चुअल में यही आपका लॉजिकल स्टेटमेंट बनता है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो आप किसी भी एल्जेब्रिक वेरिएबल की तरह लॉजिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं, और उस लॉजिकल स्टेटमेंट को हम कैसे रिड्यूस करेंगे ये चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. हमको एल्जेब्रा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बूलियन एल्जेब्रा पढ़ना है. ओके, तो यहां पर हम, इस चैप्टर का नाम भी है बूलियन लॉजिक, यानी कि इस चैप्टर में हमको बूलियन एल्जेब्रा पढ़ना है, जिसमें हम बूलियन यानी कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू स्टेटमेंट यानी ट्रूथ फंक्शन को कंबाइन करके हम वह स्टेटमेंट बनाएंगे. अभी इस एग्जांपल में आप देखिए, ही प्रीफर्स टी नॉट कॉफी. यहां पर दो स्टेटमेंट है, ही प्रीफर्स टी पहला स्टेटमेंट और कॉफी एक दूसरा स्टेटमेंट, और इन दोनों को हमने नॉट से रिलेट किया हुआ है. तो इस प्रकार से आपका ये बुलियन एक्सप्रेशन बनता है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है. ही प्लेज गिटार एंड सी प्लेज सितार. तो यहां पर भी
ऑटोनॉमस स्टेटमेंट है प्ले ही प्ले गिटार एक स्टेटमेंट और सी एंड सी प्ले सितार। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट को एंड से जोड़ा गया है यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे यानी कि वह गिटार बजाता है और वह सितार बजाती है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। आई वॉच टीवी ऑन संडे ओके फर्स्ट स्टेटमेंट आर आई गो फॉर स्विमिंग। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि सेंटेंस है उसी से क्लियर हो रहा है कि संडे को मैं टीवी देखता हूं अथवा आई गो फॉर स्विमिंग या मैं तैराक के लिए जा रहा हूं। तो ये दोनों में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है दोनों नहीं जबकि पहले स्टेटमेंट में आप देखिए तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए और इसके पहले वाले में नॉट कॉफी यानी कि यहां पर वो टी को ही प्रीफर करता है यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये उसके निगेट कर रहा है। तो ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशंस है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन करके बनाए जाते हैं ओके अब इसी को दीज लॉजिक ऑपरेटर्स आर आल्सो यूज्ड टू कंबाइन बूलियन वेरिएबल एंड लॉजिकल कांस्टेंट टू फॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब यही ऑपरेटर आपके बूलियन वैल्यूज यानी बूलियन कांस्टेंट को कंबाइन करके लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। जैसे यहां पर अगर हम एक्सपोज कर दिए x एंड y आर बूलियन वेरिएबल तो यहां पर x नॉट y आर z यह एक लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाता है ओके अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के विषय में। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए ट्रुथ टेबल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं और कैसे उनका यूज करना है। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रुथ टेबल के विषय। ए ट्रुथ टेबल इज ए टेबल विच रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल स्टेटमेंट अलोंग विद ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज। ये ट्रुथ टेबल ही आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मेजर एक तरीका है जिसको समझना आवश्यक है। इसमें जितने भी लॉजिकल वेरिएबल हम यूज करेंगे या सेंटेंस यूज करेंगे उस लॉजिकल वेरिएबल या सेंटेंस के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट होंगे उनके सभी कॉम्बिनेशन मतलब उस वैल्यू के सभी कॉम्बिनेशन मिला करके ट्रुथ टेबल कहलाता है। जैसे हम इस एग्जांपल में समझते हैं आई वांट टू हैव टी ओके पहला स्टेटमेंट। दूसरा टी इज रेडली अवेलेबल ओके दूसरा स्टेटमेंट। अब यहां पर हमने लिखा पहला स्टेटमेंट और यहां पर दूसरा स्टेटमेंट। अब क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। हमारे पास यदि दो स्टेटमेंट है तो इसकी पॉसिबिलिटी टू द पावर एन होता है यानी कि चार होगी। देखिए कैसे आई वॉन्ट टू टी ये बात ट्रू हो सकता है ये भी ट्रू हो सकता है या ए ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो सकता है या ए फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो सकता है या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो चार है यानी कि ये दोनों ट्रू हो सकते हैं या एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा या दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। और इस केस में जो अपना रिजल्ट आता है अगर हम देखें रिजल्ट आई विल हैव टी तो जो पॉसिबिलिटी होगी वहां पर मैक्सिमम होगी यानी यहां पर श्योरली आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज यहां से लेकर के यहां तक आपकी फॉल्स रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर यहां पर बना इसी को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल ओके। तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रुथ टेबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें फर्स्ट स्टेटमेंट एज एक्स एंड सेकंड इज वाई। अगर हम आई वांट टू टी आई वांट टू हैव टी को एक्स मान लें और दूसरे स्टेटमेंट को वाई और रिजल्ट को आर मान लें तो देखिए यहाँ पर जो आपका ट्रुथ टेबल का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे अभी यहाँ पर देखिए आप टी एंड टी यानी दोनों ट्रू थे तो हम एक्स वाई और दोनों को ट्रू मानते हैं एक्स भी ट्रू और वाई भी ट्रू तो अपना रिजल्ट ट्रू होगा ओके। दूसरा पहला यहाँ पर देखिए आपका ट्रू है दूसरा फॉल्स तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स
इसी प्रकार से तीसरा है फॉल्स एंड ट्रू, तो रिजल्ट फॉल्स होगा, और लास्ट है आपका ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, तो रिजल्ट ऑलरेडी फॉल्स होगा। ओके, अब यहां पर एक स्टेटमेंट आप ध्यान में रखते चलेंगे, इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू, जैसे कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है लॉजिकल स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट हमेशा से ट्रू आता है यानी कि वन आता है, तो उस इनपुट कॉम्बिनेशन को हम टॉटोलॉजी कहते हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डेफिनेशन अक्सर, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम टॉटोलॉजी कहते हैं। ओके, और ऐसे स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जिसके रिजल्ट हर कंडीशन में फॉल्स आते हैं यानी एवरी कंडीशन में उसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, तो ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन को हम फॉलसी कहते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, दोनों डेफिनेशन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास तीन ऑपरेटर है जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, जो अपना टॉपिक था। तो इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर का हम कैसे यूज करेंगे, क्या मीनिंग होगा, तो पहला ऑपरेटर आपका नॉट ऑपरेटर, दूसरा है आर ऑपरेटर, और तीसरा है एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर ऑपरेट ए सिंगल वेरिएबल, इस ऑपरेटर के लिए हमेशा एक सिंगल वेरिएबल ही चाहिए। बाय नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड कंप्लीमेंटेशन, यानी कि यह ऑपरेटर आपका कंप्लीमेंट करता है यानी कि रिवर्स करता है। जैसे यहां पर एग्जांपल में देखें आप, अगर आपका इनपुट वैल्यू जीरो है तो उसका रिजल्ट वैल्यू वन आएगा, और यदि इनपुट वैल्यू वन है तो उसका रिजल्ट वैल्यू जीरो आएगा, और उसके रिवर्स वैल्यू को हम ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर एक देखिए लाइन लगा हुआ है, तो इसको हम बार बोलते हैं, और यह उसका रिवर्स वैल्यू यानी कि कंप्लीमेंट कहलाता है। ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेटर, अगर हम नॉट ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसकी दो पॉसिबिलिटी ही बनेंगे, या तो अपना इनपुट जीरो होगा या फिर वन होगा, दो ही इनपुट हो सकते हैं। तो यदि अपना इनपुट जीरो होता है तो उसका रिजल्ट आएगा x बार, यानी कि x इनपुट करते हैं तो आएगा x बार यानी कि जीरो का बार हो जाएगा आपका वन, यानी कि x का रिवर्स वन होगा, और यदि वन इनपुट देते हैं तो उसका बार जीरो होगा। और वेन डायग्राम में भी आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में देखिए, इसके आउटसाइड में डार्क है, तो अगर ये डार्क है तो इसका रिवर्स ये आपका क्लीड होगा, और अगर बाहर क्लीड हुआ तो अंदर डार्क होगा। इस तरह से वेन डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेवरल अदर सिंबल दैट इज टाइल्ड ऑपरेटर आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन सिंबल। इफ टाइल्ड इज यूज्ड देन एक्स इज रीड निगेशन ऑफ एक्स। यहाँ पर कुछ और सिंबल है, जैसे अभी हम पिछले टॉपिक में बताया आपको कि इस तरह से बार लगा हुआ होगा, तो स्टूडेंट्स निगेट यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम ये तीन प्रकार के सिंबल प्रयोग करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर में या बुक में कहीं भी ये सिंबल्स मिलते हैं, जैसे इसको टाइल्ड ऑपरेटर बोलते हैं। एक्स के साथ अगर ये ऑपरेटर यानी कि किसी भी बुलियन वेरिएबल के साथ ये ऑपरेटर लगता है तो उसको हम उसका कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, या फिर ये सिंगल कोट जो लगा होता है ऊपर इससे इसके द्वारा भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये तीसरा है ये बार सिंबल। तो ये तीनों सिंबल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर हमेशा दो ऐसे बुलियन एक्सप्रेशन को जोड़ने का काम करता है, बुलियन सेंटेंस को, और उसका रिजल्ट अगर उसमें से कोई एक ट्रू होता है तो उसका रिजल्ट ट्रू आता है। जैसे यहां पर आप देखें जीरो प्लस जीरो, चूंकि हमने कहा था कि यहां पर और ऑपरेटर ये ऐसा ऑपरेटर जिसको दो ऑपरेंड चाहिए कम से कम। यहां पर देखिए जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो इस एक्स और वाई को आर ऑपरेटर से यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आर ऑपरेटर हमेशा प्लस साइन का प्रयोग करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो प्लस साइन करने का मतलब जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, और यहां पर जीरो प्लस वन है। अब ये जीरो क्या है, तो आपका जीरो है फॉल्स प्लस फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स प्लस ट्रू इक्वल टू ट्रू। तो इस तरह से ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल टू ट्रू, यानी कि दोनों सेंटेंस में कोई भी एक ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो जाता है। जैसे राम गा रहा होगा या खा रहा होगा, तो यहां पर या लगा हुआ है तो दोनों में से कोई एक काम वो कर रहा होगा यानी कि वो सेंटेंस ट्रू।
अब इस एग्जांपल को अगर हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझें, तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दो आपके वेरिएबल हैं, बुलियन वेरिएबल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स आर वाई, इस प्लस सिंबल को हम आर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जीरो एंड जीरो इक्वल टू जीरो। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक सिंपल, ये अर्थमेटिक नहीं है, मीन्स एक्स प्लस वाई एक अर्थमेटिक का ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पर प्लस का मतलब आर से है। ओके, यानी कि ये अथवा ये दोनों में से कोई सही हुआ तो देन ट्रू, तो यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अदरवाइज ऑल कंडीशन में ये और ये ट्रू है तो रिजल्ट ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। तो ये आपके आर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट थर्ड वन, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम इस डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस कंडीशन में आपके दोनों ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज आपका सेंटेंस फॉल्स होता है। जैसे यहाँ पर जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, अब इंटू का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करने से है, तो आप देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, सिर्फ यहाँ पे वन आएगा। यानी कि एक ऐसा कंडीशन कि उसमें दोनों सेंटेंस ट्रू हो, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए राम के पास, राम मैथ में पास हो और स्पोर्ट में भी, तो अभी आपने यहाँ पे कहा और स्पोर्ट में भी, मतलब कि राम तभी पास होगा जब वह मैथ में भी पास हो और स्पोर्ट में भी पास हो। तो इस तरह से दोनों ऑपरेटर, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होने चाहिए। इसको अगर हम ट्रुथ टेबल से समझने का प्रयास करें तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है आपके, तो और ये इसके क्वांटिटीज होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर भी क्या करना है, एक्स इंटू वाई मीन्स एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पर एक्स एंड वाई, यानी कि एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पर दो बुलियन क्वांटिटीज एक्स एंड वाई को कंबाइन कर रहा है। तो जीरो एंड जीरो रिजल्ट होगा जीरो, जीरो वन रिजल्ट जीरो, एंड वन जीरो रिजल्ट जीरो, और जब ये दोनों ट्रू होंगे वन एंड वन, देन रिजल्ट विल बी वन ट्रू। तो स्टूडेंट्स, अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि बुलियन लॉजिक क्या होता है, और इस बुलियन लॉजिक में हम कैसे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, यानी कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बुलियन लॉजिक के थ्रू कैसे हम कंबाइन करेंगे, किसी लॉजिक को कैसे जोड़ेंगे। नेक्स्ट अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के माध्यम से कैसे सॉल्व करें। मेन अपना ये ट्रुथ टेबल ही है जो कि एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हमारा सहयोग करता है, और इजीली हम इससे उसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, थैंक यू।